नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं खबरों के पीछे। रोज रात 9 बजे एक नई कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं। अपराध की दुनिया की कई कही अनकही कहानियों को हम आपको सुनाते हैं। कल हमने आपको सुनाया था एपिसोड नंबर 111 मतलब 111 में कि कैसे आज़ाद हिंदुस्तान के आज़ाद बिहार में पहली बार एक कलेक्टर की हत्या कर दी गई थी और ये हत्या किसी और ने नहीं एक पापी बाबा ने कराई थी। जिस कलेक्टर की हत्या हुई थी उनका नाम था महेश्वर प्रसाद नारायण शर्मा और वे तब प्रस्थापित थे बिहार के गोपालगंज जिले में। तारीख थी 11 अप्रैल 1983। तो बाबा ने हत्या करा दी। बाबा स्वयं गोपालगंज जेल में रहे और ये बाबा पापी बाबा जिसके अंत की कहानी आज हम सुनाने जा रहे हैं और आप जानकर आश्चर्य होंगे कि इस पापी बाबा का अंत भी कैसे हुआ और इसके शरीर में कितनी गोलियां मारी गई, कितने AK-47 का इस्तेमाल किया गया। इस पापी बाबा का नाम हमने कल भी आपको बताया था, संत ज्ञानेश्वर परमहंस जी महाराज। बाद में ये स्वयं को संत ज्ञानेश्वर सदानंद परमहंस जी महाराज भी कहने लगा। तो पापी बाबा जिस पर हत्या का आरोप लगा, कलेक्टर की हत्या का, वह कोर्ट से बरी हो गया। लेकिन पाप कथा का अंत नहीं हुआ। जो फांसी पर चढ़ा परमहंस यादव कलेक्टर की हत्या में, वह इसी पापी बाबा का शिष्य था। परमहंस यादव जिसने बम फेंका था और बम फेंकने के बाद भागते वक्त पकड़ा गया था, उसे 1988 में बिहार के भागलपुर जेल में फांसी पर चढ़ाया गया था। और पता नहीं क्यों फांसी पर चढ़ाए जाने के वक्त इस परमहंस यादव ने जय नेपाल का नारा लगाया था। तो देखिए, कलेक्टर की हत्या हो गई, बाबा कोर्ट से बरी हो गया, लेकिन ये एक ऐसा बाबा जिसकी कथा समाप्त नहीं होती है। मूल रूप से देवरिया का रहने वाला, कल भी हमने आपको बताया था, बस कंडक्टर से बाबा बन गया और इतना बड़ा बाबा जो गोस्वामी तुलसीदास को चुनौती दे रहा था। गोस्वामी तुलसीदास की जो रचनाएं हैं उनको चुनौती दे रहा था और कह रहा था कि जो तुलसीदास की चौपाइयां हैं वह साधु संतों को भ्रष्ट करती है, बर्बाद करती है। ये बाबा जिसकी संगत गोली बम और खूबसूरत लेडी कमांडो के साथ थी। हाँ, लेडी कमांडो मैं कह रहा हूं, सुनिएगा आगे बताने जा रहे हैं कि ये किस तरीके से कैसे कैसे गंदे कामों में लिप्त था। लेकिन आप जानकर आश्चर्य होंगे कि आज भी इस बाबा की संपत्ति देश और विदेश में है। नई दिल्ली के आचार्य कृपलानी मार्ग पर है और इस संपत्ति को लेकर आज भी खून बह रहा है, आपस में ही बह रहा है, चेले चपाटियों में बह रहा है। इनके जो भाई हैं उन्हें भी संपत्ति से बेदखल कर दिया गया है। उनका नाम, इनके भाई का नाम शायद इंद्रदेव तिवारी है। तो ये जो बाबा हैं और नहीं, आज भी इनके नाम से फेसबुक पर पेज चल रहा है, ट्विटर पर अकाउंट चल रहा है और किताबें लिखी जा रही हैं। आप यदि इन बातों को सुन लेंगे तो आपको कहीं से बाबा दिखेगा ही नहीं दिखेगा। कल भी हमने कहा था कि यह बाबा ऐसा बाबा था जो कहा करता था कि आप अपना सब कुछ तन मन धन मुझे सौंप दो, मेरे को सौंप दो, 7 दिनों तक अनुशासन में रहो, फिर भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। तो ये भगवान का दर्शन कराने वाला बाबा कितना बड़ा हैवान था, यह हम आपको बताने जा रहे हैं कि यह हैवानियत और इसकी एक फितरत थी कि यह अपने दुश्मनों को बमों से मरवाया करता था। और ये जो बमों से मरवाया करता था, ये बम भी इसके आश्रम में ही बनते थे। जब इसके आश्रम पर, चाहे बिहार हो या यूपी हो, छापेमारियां हुई, तब वहां से आग्नेयास्त्र बरामद किए गए, बम बनाने के सामान बरामद किए गए और आपत्तिजनक यौन संवर्धक
सामग्रियां बरामद की गई। तो ये बाबा, अब इस बाबा का अंत कैसे हुआ और इस बाबा की शुरुआत कैसे हुई? बस कंडक्टर की बात तो हमने बता दी, जिला कलेक्टर की बात भी बता दी कि बस कंडक्टर से बने बाबा ने जिला कलेक्टर की हत्या करा दी 1983 में। लेकिन इसके भी पहले, इस दिन साल 1981 में 1981 में जिला पंचायत सदस्य आनंद मोहन की हत्या कराई थी उत्तर प्रदेश में, देवरिया का ही तो रहने वाला। तो वहां से जो इसकी कहानी शुरू हुई, इसने साधु का बेस पकड़ लिया और संपत्ति कब्जा के लिए, अपने आश्रम के लिए, जो गोपालगंज में भी झगड़ा था। गोपालगंज में झगड़ा कलेक्टर से सिर्फ इसके लिए हुआ था कि इसके एक आश्रम को जो अवैध रूप से बना था, जमीन कब्जा कर बना था, उसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मतलब कलेक्टर ने महेश्वर प्रसाद नारायण शर्मा ने ध्वस्त कर दिया था और इसके खिलाफ मुकदमे कराए थे, जिसके कारण इसे जेल जाना पड़ा था। तो इस बाबा की कहानी चलती रही। बिहार से जब खदेड़ा गया, लगा कि बिहार में अब बहुत विस्तार नहीं हो सकता है, नेपाल तक फैल गया था, दुनिया के और कई देशों में फैल गया था। तो इसने उत्तर प्रदेश में फिर से अपना साम्राज्य बनाया और अपने साम्राज्य के विस्तार में जो भी इसके बाधक बने उसे इसने खत्म करा दिया। अब देखिए 1983 में हत्या का आरोप कलेक्टर का और 1998 में इसने उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में वहां के विधायक इंद्रभद्र सिंह की हत्या करा दी। सोचिए, किसी को नहीं छोड़ता था, विधायक की हत्या करा दी। और विधायक की हत्या जब हुई तो मुख्यमंत्री ने, जो भी तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा कि इसकी जांच एसटीएफ से होनी चाहिए। लेकिन यह बाबा बचता रहा, फंसता रहा, बचता रहा, जेल जाता रहा, आता रहा, यह सब सिलसिला चलता रहा, क्योंकि इसके आश्रम जो थे वहां बीबीआईपी मूवमेंट भी होता था। और बाबा के बारे में जो कहानियां हैं, जो सुनाई गई हैं, जो सुनाई जाती हैं और जो जानते हैं, आज ही मैं नवभारत टाइम्स के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट उत्तर प्रदेश के दिनेश मिश्र से बात कर रहा था, दिनेश चंद्र मिश्र से, जिन्होंने इस बाबा पर बहुत कुछ लिखा है। तो दिनेश चंद्र मिश्र ने बताया कि इस बाबा की फितरत थी, जिसकी भीतर हैवानियत थी, जो तुलसीदास को चुनौती देता था, कि वह अपने इर्द गिर्द लेडी कमांडो रखता था, खूबसूरत लड़कियां, और ये कमांडो उन्हें घेरे रहती थी हथियार लेकर। और सिर्फ घेराबंदी नहीं बनाती थी, जो इनके यहां बड़े लोग जाते थे उनकी आव भगत में भी इन्हीं लड़कियों को, इन्हीं साधु संतों को, महिला साधु संतों को ये बाबा आगे किया करता था। तो इंद्रभद्र सिंह की इसने हत्या करा दी। इंद्रभद्र सिंह भी कमजोर आदमी नहीं थे। इंद्रभद्र सिंह के दो बेटे हुए, चंद्रभद्र सिंह सोनू और यशभद्र सिंह मोनू। तो सोनू और मोनू, इनमें एक विधायक भी बने सोनू, तो उन्हें अपने पिता की हत्या का बदला लेना था। पिता की हत्या कराई थी इंद्रभद्र सिंह की, तो बेटा शांत कैसे बैठता, मौके की तलाश की जा रही थी। लेकिन बाबा का सुरक्षा घेरा इतना तगड़ा रहता था कि वहां हाथ डालना संभव नहीं होता था। तो तारीखें आती गई, तारीखें गुजरती गई, कई बार प्रयास किए गए, लेकिन आखिर में तारीख आई 11 फरवरी 2006। 11 फरवरी 2006 जब हम याद करते हैं, और जो लोग बताते हैं, इलाहाबाद में माघी मेला लगा था, साधु संतों की भीड़ थी, माघी मेला समाप्ति की ओर चल पड़ा था और इस संत ज्ञानेश्वर परमहंस जी महाराज का भी बड़ा सा वहाँ कुटिया बना हुआ था, आश्रम बना हुआ था, वहाँ बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए थे। और ये बाबा पूर्ण रूप से सुरक्षा घेरे में चला करता था। इस बाबा को पता था कि मेरी हत्या हो सकती है, मुझ पर गोलियां चल सकती हैं। तो मेले की समाप्ति जब होने लगी तो यह बाबा वहां से बनारस के लिए निकले। बनारस में भी इनका आश्रम था। बाबा को इस बात की खबर थी कि हमारे पीछे शत्रु लगे हैं, तो बाबा अकेले गाड़ी से नहीं चलते थे। बाबा चार गाड़ी, पांच गाड़ी, बाबा कहना भी अपराध है क्योंकि ये तो पापी था, पापी के रूप में ही हम याद करेंगे। तो ये संत ज्ञानेश्वर परमहंस जी महाराज, मतलब हत्यारा बाबा, कातिल बाबा, जो भी आप कह लें, लुटेरा बाबा, सेक्सी बाबा, जो भी कह लें, तो ये पांच गाड़ियों के काफिले से इलाहाबाद से निकला। आज भी आप इलाहाबाद के लोगों से बात करेंगे तो साधु संतों ने
कभी इतनी गोलियों की तड़ाहट नहीं सुनी होगी, साधु संतों पर इतनी गोलियां नहीं चली होगी। इलाहाबाद से कुछ दूर ही पहुंचे होंगे वाराणसी के रास्ते में, तो हंडिया जगह है वहां क्रॉसिंग के पास। इनकी गाड़ी मतलब इनका काफिला बढ़ता जा रहा था, तभी एक ब्लू रंग की मार्शल गाड़ी ने ओवरटेक किया और ओवरटेक करते ही जैसे ही गाड़ी इनकी गाड़ी के आगे आई, उस मार्शल गाड़ी से अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई। लोग बताते हैं, पुराने जानकार बताते हैं, पुराने खबरी बताते हैं कि 4 AK-47 से एक बार गोलियां छुकी जा रही थी, बस फायर चल रहा था। और सिर्फ 1K-47 नहीं, इसके अलावा कार्बाइन, इसके अलावा 9mm पिस्टल। इतना मौका ही नहीं मिला कि बाबा कुछ समझ पाते या बाबा के साथ जो लेडी कमांडो थे या दूसरे हथियारबंद लोग थे वे कोई जवाबी कार्रवाई कर पाते। परिणाम इतनी गोलियां चली कि मौके पर ही 8 लोग मारे गए संत ज्ञानेश्वर परमहंस जी महाराज के साथ। और ये जो 8 लोग मारे गए इनमें इनकी 4 लेडी कमांडो भी थी। इसके अलावा भी 4 लोगों को गोलियां लगी, तो बाबा समाप्त हो गए, बाबा खत्म कर दिए गए, पापी बाबा का अंत हो गया। पूरा उत्तर प्रदेश हिल गया था 11 फरवरी 2006 को, इलाहाबाद में जमा हुए साधु संत हिल गए थे कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन जो होना था हमें जानकारी है। मैं जब रिकॉर्ड में जाता हूं कि जब इस परमहंस पापी बाबा की हत्या हुई, हालांकि आज भी इन्हें पूजने वाले कई लोग हैं, तब इन पर 8 मर्डर के साथ 15 जघन्य आपराधिक कांड लंबित थे। अब सवाल यह पैदा हुआ कि इनकी हत्या किसने की, तो जैसा मैंने पहले आपको संकेत दिया था और वही बात सामने निकली। पहले तो पूर्वांचल के जो डॉन थे या माफिया थे उन पर शक गया, लेकिन बाद में यह बात पुख्ता हुई और केस भी इसी तरीके से दर्ज किया गया कि इनकी हत्या करने में इंद्रभद्र सिंह, जिनकी हत्या इसने कराई थी, विधायक इंद्रभद्र सिंह जिनकी हत्या इसने 98 में कराई थी या 99 में, उनके दोनों बेटों का नाम आया। इनमें भी एक बेटा विधायक बना, चंद्रभद्र सिंह सोनू और यश भद्र सिंह मोनू, सोनू मोनू के नाम से ये जाने जाते हैं। साथ में अखिलेश सिंह और विजय यादव का नाम लिखा गया। तो अब ये बाबा तो समाप्त हो गए, लेकिन खूनी लड़ाई खत्म नहीं हुई, खूनी लड़ाई आगे चलती रही। केस मुकदमा हुआ, बहुत लंबा मुकदमा चला, लेकिन देखिए जब बाबा खुद समाप्त हो गए तो उनकी ताकत भी कमजोर हो गई। कोर्ट से सभी आरोपी जो हत्या के आरोपी थे, जिन पर यह इल्जाम लगा था कि संत परमहंस, संत ज्ञानेश्वर परमहंस जी महाराज की हत्या की और साथ में 8 लोगों की, सबके सब बरी कर दिए गए। अभी तो कोर्ट कचहरी की बात है, आपने जाना ही कि जब इसने कलेक्टर की हत्या कराई थी तो ये भी कोर्ट से बरी हो गए थे। इनका शिष्य परमहंस यादव भले फांसी पर चढ़ा। अब ये बरी कैसे हुए, इसके पीछे भी कहानी चलती रही। इसके पीछे कहानी ये चलती रही क्योंकि बाद में एक और हत्या हुई, और ये हत्या हुई, देखिए मैंने कहा कि ये कई संगठन, कई संस्थान, कई ट्रस्ट बनाए हुए था जिसमें संपत्ति को लेकर, कि एक संगठन बना सदानंद तत्व ज्ञान परिषद, जिसके महासचिव थे, प्रधान सचिव थे संत राम सहाय सिंह, इनके चेले, तो इनकी हत्या कर दी गई। अब इनकी हत्या किसने की, यह बात भी समझने की है। क्या हत्या सोनू मोनू ने ही करा दी, लेकिन कहने वाले लोग कहते हैं कि ये संत राम सहाय सिंह जो प्रधान सचिव थे इनके एक ट्रस्ट के, उनकी हत्या इनके ही चेले चपाटियों ने की। और ये हत्या इसलिए हुई क्योंकि एक संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था, और संत राम सहाय सिंह से गुस्सा इस बात को लेकर भी था कि जब ये पापी बाबा की हत्या का मुकदमा चल रहा था, पैरवी चल रही थी, तो संत राम सहाय सिंह के बारे में लोगों को शक हो गया था कि जो हत्या के आरोपी हैं सोनू मोनू
उनके साथ इनकी सेटिंग हो गई थी। अब देखिए, ये संत ज्ञानेश्वर परमहंस जी महाराज का एक बहुत खास गुर्गा बिहार का हरिराम चौधरी भी हुआ करता था, और इसका नाम 1983 में हुए कलेक्टर की हत्या में भी आया था, लेकिन बरी हो गए थे। तो अब संत राम सहाय सिंह की भी हत्या हो गई, लेकिन इसके बाद भी खूनी अदावत खत्म होती ये बात नहीं थी। देखिए, कोर्ट कचहरी में फिर से ये जो सोनू मोनू, जो जिनके पिता की हत्या हुई थी, जब जा रहे थे कोर्ट में, आना जाना होता था, और भी मुकदमे रहे होंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश में तो हर जनपद में आपको डॉन मिलते हैं। तो सोनू मोनू पर कोर्ट कचहरी में, मतलब कचहरी जब गए होंगे, देखिए इसकी एक और फितरत रही है इस गिरोह की, बाबा की गिरोह की, कि कचहरी को टारगेट करता है। आपको हमने कल भी बताया था कि गोपालगंज के डिस्ट्रिक्ट जज अमीर दास जब कलेक्टर हत्याकांड की सुनवाई कर रहे थे, ट्रायल कर रहे थे, तो उन्हें भी धमकाने के लिए उन पर बम फेंकवाया गया था। तो अब इसमें इनके जो चेले चपाटी बचे रह गए, उसने सोनू मोनू पर कचहरी में बम फेंकवाया। और कैसा बम फेंकवाया? बम फेंकवाने के बाद वहां काउंटर फायरिंग भी हुई, और जो बम फेंकने वाले लोग थे वे एक फॉर्च्यूनर गाड़ी से आए थे। संपत्ति कहीं से कम नहीं है, संपत्ति आज भी बहुत है। फॉर्च्यूनर गाड़ी से आए, जब काउंटर फायरिंग हुई तो काउंटर फायरिंग में एक व्यक्ति को और बम लग गया या गोली लगी, वो घायल हो गया। वो लोग थे जो हमलावर थे। तो देखिए कितने ये लोग डेयरडेविल हैं कि उसे उठाकर अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी में लेकर चलते बने, और पुलिस उनका पता भी नहीं कर पाई। इसमें भी एक नेता विनोद सिंह का नाम आने लगा। उत्तर प्रदेश में जगह जगह, जनपद जनपद, अलग अलग डॉन है, और उनका, और बिहार के तरीके, बिहार की तरह से वे तंग वाले या फटेहाल वाले नहीं हैं। जब आप किससे सुनेंगे यूपी के कि किसी की हत्या कराने के लिए कितने की सुपारी दी गई, तो आपके होश उड़ जाएंगे। आपने मुन्ना भजंगी का नाम सुना होगा, जिसकी हत्या कराई गई थी, जो मुख्तार अंसारी का बहुत खास था। कहने वाले कहते हैं कि मुन्ना बजरंगी की जेल के भीतर हत्या कराने के लिए 15 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई थी, जिसमें उत्तराखंड का एक डॉन जिसने इस हत्याकांड की सुपारी ली थी। और अभी उस मिराज की हत्या हुई, वो भी जेल के भीतर ही, जिसके बारे में कहा गया कि मिराज नहीं, जो पहले मुन्ना बजरंगी का खास आदमी हुआ करता था, मुन्ना बजरंगी का मुंशी हुआ करता था, अपराधियों को ठिकाना दिया करता था, मुन्ना बजरंगी के लिए हफ्तों वसूला करता था, मुन्ना बजरंगी के लिए रंगदारी वसूला करता था, लेकिन जब रंगदारी वसूली में हिसाब किताब में झगड़ा हुआ तो उसे पंगा हो गया था। तो मिराज नहीं, मुन्ना बजरंगी को सेट कराया था, और अब मुन्ना बजरंगी, अब उस मिराज की हत्या हुई, इस मिराज की हत्या कराने में भी कहा जा रहा है कि लंबी सुपारी दी गई। तो उत्तर प्रदेश में जो सुपारी होती है वो करोड़ की होती है, बिहार की तरह 50,000-25,000 की नहीं होती, लाख की, 5 लाख की नहीं होती, वहाँ कोई बात ही नहीं होती है। यदि आप वहाँ जिला पंचायत के चुनावों को भी देखेंगे तो मालूम होगा कि जिला पंचायत के प्रधान के चुनाव को जीतने के लिए वहाँ 10 करोड़ रुपये और 5 करोड़ रुपये खर्च कर जाते हैं। तो वहाँ का सिलसिला दूसरा है, क्योंकि वहाँ की जो फिजा है वो दूसरी है। तो ये बाबा, पापी बाबा खत्म हो गया, लेकिन खूनी लड़ाई आज भी खत्म नहीं हुई है, खूनी लड़ाई चल ही रही है। और आज भी जो इनके चेले चपाटी हैं वो संत ज्ञानेश्वर परमहंस जी महाराज को भगवान घोषित करने में लगे हैं, क्योंकि ये स्वयं को धरती पर भगवान घोषित कर चुके थे। कहते थे कि कल की अवतार हैं, वे सर्वोच्च सत्ता हैं, तन मन धन सब कुछ सौंप दो, भगवान का दर्शन हो जाएगा। तो मैंने जो कहानी सुनाई आप समझ गए होंगे कि भगवान का दर्शन ये करा सकता था कि नहीं करा सकता था, लेकिन आपको हत्यारा जरूर बना सकता था, आपसे हत्या जरूर करा सकता था। ऐसे ही लोगों की तलाश इसको रहती थी। तो आज आपको हमने उस प्रसंग में, जिसकी चर्चा हमने कल शुरू की थी कि आज़ाद हिंदुस्तान के आज़ाद बिहार में कब एक कलेक्टर की हत्या हुई पहली बार, तब बिहार के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा हुआ करते थे। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। देखिए, मैं एक अनुरोध जो प्रारंभ में करता हूँ वो आज आखिरी में कर रहा हूँ, कि यदि अब तक आपने हमारी YouTube चैनल खबरों के पीछे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप Facebook पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा। एक और अनुरोध कि यदि आप मुझसे
किसी कहानी को लेकर संपर्क करना चाहते हैं, कोई कहानी बताना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, किसी मसले पर विमर्श करना चाहते हैं, तो आप मुझे ज्ञानेश्वरlive@gmail.com पर मेल कर सकते हैं, संक्षिप्त कहानी लिखकर भेज सकते हैं, अपना नंबर प्रेषित कर सकते हैं। जरूरत होने पर हम आपसे बातचीत करेंगे, आपकी पहचान को हम गोपनीय रखेंगे जरूरत के हिसाब से, क्योंकि हमारे लिए सूत्रों की पहचान और सूत्रों की सुरक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो आज दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलेंगे रात को 9 बजे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।